नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक साथ एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब, हम बातें कर रहे हैं रिवीजन की, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। इस कड़ी में अपने दो लेक्चर में ऑलरेडी काफी सारी बातें की है। रिवीजन में अपन सब कुछ बातें कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी क्वेश्चन है वो भी आसपास के देख रहे हैं। बस हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से हमने कम कर दिए हैं। तो अब रिवीजन है ना भैया, बुकलेट में, अपनी आपकी बुक्स में और आपकी नोटबुक में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल किए हुए हैं, वो तो आपको देखना ही है। मेरा धर्म है आपको फिर से एक बार चीजें रिफ्रेश करवा देना, कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से ऊपर ऊपर से बताना, और फिर आप खूब सारे और सवाल सॉल्व कीजिए। हम लोग अब आपको जो है रिविजन के साथ साथ में क्या, अभी हमने प्रिंट करके आपको भेजा है रिविजन डीपीपीज का बुकलेट है ना, तो अच्छे सवाल है उसमें, बेहतरीन किस्म के जो बना के भेजा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के तमाम क्वेश्चन, 32 ईयर 33 ईयर्स के सारे सवाल लगा दीजिएगा, और बस जो बुकलेट वगैरह ऑलरेडी आपने सॉल्व की है उसको दोबारा देखिएगा। मास्टर ने आपको बहुत पहले बोला था कि बुकलेट सॉल्व कर, जब भी कर रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर दीजिए, जो सवाल आपको अच्छे लगे हैं उसके सॉल्यूशन वगैरह कहीं रफ कॉपी टाइप का जो भी हो उसको बना के रखिएगा, ताकि जब आप चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे तब आपको काम आएगा। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रखा है तो पुरानी गलतियों पर अब कुछ नहीं हो सकता, अब से अच्छा कीजिए, है ना। अब आप एंड में अच्छा कर देंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं फिर से कोई ज्ञान मोड में नहीं आना चाह रहा, बस ये काम की बातें थी, बताना जरूरी था इसलिए बता दिया। सीधे काम की बात पे आते हैं। लास्ट टाइम हम बातें कर चुके हैं कि भैया न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में बातें कर ली हमने, हमने कंस्ट्रेंट, डायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सब बातें कर चुके हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कि भैया कभी ऐसा भी होता है कि न्यूटन साहब के लॉज कहीं लगते नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसा कुछ कुछ होता है, कहीं ऐसा हो जाता है न्यूटन साहब के लॉ ही नहीं लगते हैं। मैंने कहा कैसे? अरे जरा ध्यान से देखो, एक बहुत साधारण सी बात करते हैं अपन, एक बहुत ही साधारण सी बात करते हैं कि मान लो कि एक लिफ्ट है हमारे पास, क्या है, एक लिफ्ट है हमारे पास, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है भाई साहब, जो कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है ए से, और एक बहुत साधारण सी बात करते हैं, एक धागे से एक बॉल को लटका दिया है हमने, बॉल का मास एम है ना भैया। ओहो हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रही है, एक्सेलरेशन ए से, और धागे में होगी टेंशन, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, क्योंकि नीचे इस पे लग रहा होगा mg, है ना भाई साहब। अगर अपन इस बॉल का FBT बनाएंगे तो ग्राउंड की फ्रेम में आप बोलेंगे साहब कि टेंशन माइनस mg, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m into a। अरे ये क्या हुआ, टेंशन तो mg प्लस a आ गया, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं चीटा बन के यहां बैठ गया, तेरे को यहां बिठा दिया लिफ्ट में, तुझे क्या लग रहा होगा कि ये बॉल रुकी हुई है कि ए से एक्सेलरेट हो रही है, रुकी हुई है कि ए से एक्सेलरेट हो रही है, तुझे ऐसा लगेगा। मान लो कि तुम चीटा बन के यहां बैठ गए, विद रेस्पेक्ट टू चीटा अपन बात करते हैं, तो क्या लगेगा आपको, क्या ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। आप चीटा तो बोलेगा भैया t इज इक्वल टू mg। अब एक बात बताओ, या तो टेंशन mg के बराबर है या इसके बराबर है, भैया दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है यार, है ना। ये सत्य है, ये सही है, इसमें कुछ गलत है। अच्छा हमने क्या लगाया है, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ लगाया है, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो था, है ना, नेट फोर्स आपका इक्विलिब्रियम लगा दिया, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दिया। अच्छा तो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, मैंने कहा कहाँ हुई है, यहाँ हुई है। अरे तो दोनों में न्यूटन साहब का लॉ ही तो लगाया है, कहा जो उन्होंने तीन लॉ बताया वही तो लगा रहे हैं, मैंने कहा हाँ, लेकिन मतलब उनके जो लॉ है उसमें भी कुछ कमी है, कुछ कमी, इतने बड़े महान आदमी से भी कुछ कमियां रह जाती है। फिजिक्स में कोई गलत नहीं होता, बस उसमें थोड़ा आगे वाला करेक्ट हो जाता है, जैसे आपने साउंड में जाके पढ़ा होगा लेप्लास करेक्शन, न्यूटन साहब ने कुछ फॉर्मूला दिया कि हम बोलते हैं आप सुनते हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर आंसर नहीं आया, मैच नहीं की उनकी वेलोसिटी ऑफ साउंड और प्रैक्टिकल जो आती है वो, तो लैपलास साहब ने करेक्शन करके बोला अरे नहीं न्यूटन साहब ने बोला था आइसोथर्मल होता है, लेकिन होता नहीं है, होता कौन सा है, एडियाबेटिक मान लो और आंसर काफी पास में आ जाएगा, तो मान के वो ऐसा करेक्शन कर देते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि न्यूटन साहब गलत थे, पूरी तरह से गलत नहीं थे, है ना। अरे भाई ऐसा ही तो है ना, अब आप भी बोल देंगे कि नहीं हम तो लेट आए हैं, वरना जीरो की डिस्कवरी तो हम भी कर देते,
है ना, आर्यभट्ट की का जी का कोई योगदान नहीं था, हम भी बोल देते ये पुल नीचे गिर रहा है तो कोई खींच ही रहा होगा। नहीं रे, इतना आसान नहीं। आइए काम की बात करते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन साहब का सेकंड लॉ वैलिड नहीं हुआ है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमेशा वैलिड नहीं होते हैं, वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड करवाए जा सकते हैं, बट हमें मानना होता है एक एक्स्ट्रा फोर्स जिसका नाम है सूडो फोर्स। आप इस बात से वाकिफ हैं, और मैं शॉर्ट एंड प्रिसाइज आपको बता दूं कि रेफरेंस फ्रेम जो होती है, रेफरेंस फ्रेम वो जगह जहां से हम मोशन का एनालिसिस करते हैं, हम मोशन का एनालिसिस करते हैं। और मोशन क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वक्त के साथ पोजिशन का चेंज होना, और मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ। हम रिलेटिव से ये सब बातें ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर अपन रेफरेंस फ्रेम की बात करें, जहां से भी खड़े होके, जहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्सिस सिस्टम होता है, जहां पे अपन घड़ी लेके खड़े होते हैं, जहां पे अपन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो जगह ही हमारे लिए रेफरेंस फ्रेम होती है। वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो एक्सेलरेट हो रही होती है या वो एक्सेलरेट नहीं हो रही होती। मैं रुकी हुई या चल रही नहीं बोल रहा, या तो एक्सेलरेट हो रही होती है या नहीं हो रही होती है। अगर एक्सेलरेट नहीं हो रही होती है, इस तरह की फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। ऐसी एक ऐसी फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन जीरो हो। अब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, वो जीरो भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। और ऐसी जिसमें एक्सेलरेशन होती है वो क्या हो जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसी फ्रेम जहां से अपन खड़े होकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो एक्सेलरेट हो रही होती है, तो ऐसी फ्रेम को प्यार से नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। यानी यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जीरो नहीं होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जीरो नहीं होता है। ये न्यूटोनियन फ्रेम होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हमने कहां से की है, मैंने कहा ये बातें हमने धरती माता पे खड़े होकर की है, और धरती माता को अपन इनर्शियल फ्रेम लेके चलते हैं। हालांकि कोई इनर्शियल फ्रेम होती नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि धरती भी तो घूम रही है ना यार, लेकिन इतनी बड़ी है और इतनी स्लो घूमती है कि अपन धरती माता को इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, वो इनर्शियल फ्रेम होती नहीं है। कल को कोई स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए कि अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम, तो वह तब आपको नो बोलना है। बट यस, हम सवालों में अर्थ को इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, मैंने कहा हाँ। अच्छा, कभी सवालों में लिखा आएगा लेबोरेटरी फ्रेम, कौन सी फ्रेम है, वो इनर्शियल फ्रेम है, जो कि हाइपोथेटिकल ऐसी फ्रेम होती है। अच्छा, एक इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ही हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमने इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में किया तो टेंशन नहीं आ गया। यहां हम बैठे थे लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही थी, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम थी। इसमें न्यूटन लॉज फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड वैलिड नहीं होते हैं, थर्ड वैलिड होता है। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में कोई लोड नहीं है। अब आप बोलेंगे साहब फर्स्ट एंड सेकेंड वैलिड नहीं होता है, वेल वैलिड तो करवाना है, क्योंकि इतने बड़े आदमी ने लॉ दिया है, तो वैलिड कैसे करवाएंगे। एक सूडो मान लो, सूडो फोर्स मान लो, क्या मान लो, सूडो फोर्स मान लो, सूडो जो कि होता नहीं है, सूडो फोर्स मान लो। अब सवाल उठता है कि भैया आप फोर्स मंगवा रहे हो हमसे, अगर आप हमसे सूडो फोर्स फोर्स मंगवा रहे हो, तो फोर्स में तो तीन चीजें होती है, सूडो फोर्स के बारे में बात करते हैं। सूडो फोर्स अगर फोर्स है भैया, तो इसमें तीन बातें होती है। पहला आता है मैग्नीट्यूड, पहला क्या आता है, मैग्नीट्यूड। आप मुझे बताइए कि आपने जो सूडो फोर्स लिया है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपने जो सूडो फोर्स लिया है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने कहा अरे यार, मैं जब चीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जब मैं चीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो मेरे चीटा की एक्सेलरेशन क्या है, यानी जिस फ्रेम पे मैं बैठा हूं उस फ्रेम की एक्सेलरेशन क्या है, ए है। तो आप जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसिडर कर दीजिए, एम इंटू ए, एम इज द मास, ए इज द एक्सेलरेशन, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ That non-inertial frame, यानी कि मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल उठता है कि भैया मैग्नीट्यूड से काम चलने वाला नहीं है, फोर्स में तीन बातें होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो मैग्नीट्यूड हो गया है, अब पता करते हैं डायरेक्शन। सवाल उठता है कि डायरेक्शन क्या होगी, भाई साहब डायरेक्शन होगी जस्ट जस्ट अपोजिट टू, जस्ट अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ, दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यानी कि ये जो था उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। मैंने कहा अरे यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में था, ऊपर था, तो मास्टर ने एमए कौन सी डायरेक्शन में लिया है, नीचे की डायरेक्शन में लिया है। मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ए थी तो एम इंटू ए लिया। सवाल होता है कि भैया किधर लगाना है, ये तो पता लग गया मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, पर कहां लगाना है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या चाहिए हमको, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां लगाना है भाई साहब, सूडो फोर्स को लगाना है सेंटर ऑफ मास पे। कहां लगाना है, एट COM, एट COM कहां लगाना है भाई साहब, एट COM सेंटर ऑफ मास पे लगाना है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास। उम्मीद है कि आप किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, ये जानते हैं, है ना। वैसे आने वाले चैप्टर्स में अपन इसको भी रिवाइज करने वाले हैं। आप अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा वो पता किया जा सकता है, पर सेंटर ऑफ मास पे सूडो लगाना है, कितना लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है, क्या आपके भेजे में ये बातें उतर गई है। अच्छा तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास बॉल का तो यूनिफॉर्म मान लेते हैं यहाँ पे है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है m into a। अच्छा अब आपको क्या लगेगा, थीटा को लगेगा कि इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए, यानी कि टी मस्ट बी इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। ये क्या हुआ, ये तो एम जी प्लस ए आ गया, अरे ये तो यहाँ पे भी आ रहा था, ये भी आ गया, अरे सेम उत्तर आ गया, सही उत्तर आ गया। मैंने कहा हाँ, लेकिन सही उत्तर कैसे आया, मैंने कहा एनएलएम लगाने से आया, लेकिन एनएलएम तो वैलिड नहीं है। मैंने कहा हाँ वैलिड नहीं है, लेकिन वैलिड करवाया जा सकता है एक सूडो फोर्स कंसिडर करके। वो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, वो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, और वो सूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। क्या ये तीन बातें हमारे भेजे में उतर गई होगी तो आपको सवाल हो जाएंगे भाई साहब। और एक और चीज है, ये सूडो फोर्स के बगैर भी सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। मैंने कहा क्या सेंट्रीफ्यूगल के बगैर भी काम हो सकता है, मैंने कहा है ना, ग्राउंड से भी हो सकता है, लेकिन हम इतना समझ चुके हैं कि रिलेटिव मोशन बगैर यूज किए भी तो ग्राउंड से सवाल सॉल्व कर सकते थे ना, लेकिन रिलेटिव हमारी जिंदगी को आसान करने में काम आता है, वो सवालों को आसान करने के लिए लाया गया है। ठीक उसी तरह से फ्रेम के ऊपर बैठ के, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से सवालों को सॉल्व करने से हमारी जिंदगी आसान होगी, इसलिए इससे परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। एक कल परसों किसी प्राणी ने बोला सूडो फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स सेम है कि अलग है। अब सूडो लिटरली कोई फोर्स ही नहीं, थ्रस्ट फोर्स तो सही में लगेगा आगे जाके, है ना। थ्रस्ट फोर्स तो रॉकेट को ऊपर लेके कौन जाता है, रॉकेट को ऊपर लेके जाता है थ्रस्ट फोर्स, वो तो रियल फोर्स है ना बे, अपने आप थोड़ी जाएगा रॉकेट, कि सूडो फोर्स लग गया रॉकेट ऊपर चला गया, रखा रखा ऐसा तुम भी चले जाओगे बैठे बैठे ऊपर चले गए, सूडो फोर्स लग गया, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब सूडो फोर्स तो फोर्स ही नहीं है यार, वो तो डुप्लीकेट है ना। हाँ थ्रस्ट फोर्स अलग है, वो रियल फोर्स है, जब मास चेंज होगा तो वी आर इंटू डीएम बाई डीटी, लेकिन ये मैंने कहा ये ऐसे कंसिडर करते ताकि आंसर सही हो जाए, आंसर सही हो जाए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसने कोई दोहराए वाली बात नहीं, अरे कोई एमए नाम का कोई अलग से कोई थोड़ी लगा रहा है, एमजी तो धरती माता लगा रही, और ये जो टेंशन इतना आ रहा वो टेंशन लगा रही है ना, तो सोल्व करने के लिए इधर मान लिया है वो, बस ताकि टी की वैल्यू ये आ जाए, है ना, बाकी टी खुद ही इतना है और एम जी इतना है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपने को एक्सेलरेशन वाला लगा दिया है में, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगा दिया, बस मैंने फील के लिए छोटा एग्जांपल लिया, बाकी सवाल कोई सा भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको ये तीन बातें समझ में आएगी और साथ में ये पता लगना चाहिए कि भैया चीजों को आसान करने के लिए लाया गया है। कोर्स कहाँ लगता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं अपन, है ना। अच्छा सेंटर ऑफ मास पे और क्या लगता है, सेंटर ऑफ मास पे अपन ग्रेविटी लेके चलते हैं, ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगती है। मैंने कहा नहीं, अच्छा बायंसी कहाँ लगती है, डूबे हुए पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे, है ना, डूबे हुए वॉल्यूम के सेंटर ऑफ मास पे। ऐसे याद आ गया तो बता दिया हमने आपको, आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं। मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लू, मान लो कि एक एग्जाम्पल लू मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लें, थर्ड लो कोई सी फ्रेम, थर्ड लो कोई सी भी फ्रेम है उसमें लग जाता है ना, धरती माता क्या है, क्या इनर्शियल फ्रेम है। मैंने कहा नहीं, क्या हम धरती को इनर्शियल फ्रेम लेके सवाल सॉल्व करते, मैंने कहा हाँ ये बात अपन कर चुके हैं। मान लो कि मैं आपको एक सवाल दूं, कि मान लो कि यहाँ पे एक गाड़ी है, बहन जी चल जाओ यार भावना खाओ, मान लो कि यहाँ पे एक गाड़ी है, तो सही बोलिए हाँ चलो
यहाँ पे ये गाड़ी है, ये गाड़ी ये टायर हो गया भाई साहब, नहीं नहीं चलेगा, मन नहीं है, नहीं करेंगे। मान लो कि इसमें एक पेंडुलम लगाया गया है और यहाँ पे है इसका मास m और ये गाड़ी इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है a नॉट से। मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, आप मुझे थीटा बताइए। क्या ग्राउंड की फ्रेम में किया जा सकता है? मैंने कहा हाँ, ग्राउंड की फ्रेम में भी किया जा सकता है और सूडो लगा के भी किया जा सकता है। बहुत आसान सवाल है, मुझे क्या बताएंगे? इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो थीटा बता दीजिए, थीटा जो है रॉड का वर्टिकल से एंगल है ना। अच्छा भाई साहब, क्या करिएगा आप? इसका एपीडी बनाइएगा। किसका एपीडी? अपने बॉल जो बॉब है उसका एपीडी बनाइए। इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा, मास एम है। नीचे क्या लग रहा होगा? एमजी लग रहा हो। किधर मानू सूडो भैया, किधर मानू सूडो? एम इंटू की कितना मानू? मैंने कहा एम इंटू ए नॉट, क्योंकि हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और ए नॉट के जस्ट ऑपोजिट एम इंटू ए नॉट। कहाँ मानू? मैंने कहा सेंटर ऑफ मास। अब क्या मानू? मैंने कहा यहाँ वाले चीटा को तो लगेगा कि इक्विलिब्रियम है, यहाँ वाले चीटा को क्या लगेगा? इक्विलिब्रियम है। यहाँ वाले चीटा को अगर इक्विलिब्रियम लगेगा तो भैया टी कॉस थीटा, T cos theta must be equal to mg, और T sin theta क्या होना चाहिए? T sin theta m a naught के बराबर होना चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, T से T कट जाएगा, m से T m कट जाएगा। theta is basically tan inverse of a naught by g। ये हमने कहाँ किया है? With respect to cart का frame। लोग बोलेंगे क्या ground की frame से नहीं कर सकते? मैंने कहा कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ये फोर्स लग रहा है आपका इधर टेंशन, ये एंगल है थीटा, ये एमजी है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है और ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को इसकी एक्सेलरेशन इधर ए दिखाई देगी। मैंने टी के दो कंपोनेंट कर दिए हैं, इधर वाला मेरे लिए हो जाएगा टी साइन थीटा, ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला होगा टी कॉस थीटा। अच्छा वर्टिकल में एक्सेलरेशन है क्या? मैंने कहा नहीं, तो टी कॉस थीटा किसके बराबर है? टी कॉस थीटा mg के बराबर है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या है? a है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन अगर a है तो भैया हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स आपके पास क्या है? t sin थीटा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। t ने t की बत्ती अंगुल की, a ने a की, थीटा क्या आ गया है? tan इनवर्स ऑफ a बाय। सस्ता सवाल, एकदम सस्ता बताया है, टफ भी बताया जा सकते, कोई टफ वाली चीज नहीं। आगे जाके आप सेंट्रीफ्यूगल ये वो बहुत सारी चीजें लगाते हैं। बेसिक मुद्दा क्या है कि कब लगाना है, कितना लगाना है, किधर लगाना है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ हो, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम पे जाते हैं। लिफ्ट वाली प्रॉब्लम से जाने से पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लिफ्ट में वो वेग मशीन लगा देते हैं, बताइए कि अब भारी फील होगा, कब कब हल्का फील आएगा, है ना। तो थोड़ी सी बात करते हैं अपन वेग मशीन की, अपने वेट करने वाली मशीन के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे अपन करते हैं। वेग मशीन की एंड स्प्रिंग बैलेंस की, वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। खूब सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं, अपन एकदम धड़ाके से कर देंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल हमारे नीट के एग्जाम में आता नहीं है, हम इस बात को जानते हैं। मास्टर बार बार क्यों बता रहा है? मास्टर आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि आपको बहुत ऑलरेडी आता है, बस जरूरत है सही से उसको एग्जाम में एग्जीक्यूट करने की, है ना। बाकी आप होनहार छात्र हैं या छात्राएं हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोहराए नहीं है। हाँ, हेडिंग डाल सकते हैं अपन स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन एंड वेइंग। क्या करती है ये दोनों? क्या करती है लाला? क्या कभी जिंदगी में देखा है स्प्रिंग बैलेंस? देखा होगा बे, कांदे खरीदने जाते हो ना प्याज खरीदने के लिए, है ना, दुकान पे ऐसा लगा हुआ होता है। कैसा दिखता है? ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का आइटम होता है। किस तरह का आइटम होता है? यहाँ पे इसके ऊपर एक स्केल्स लगी होती है जो कि केजी में उसकी उसको कैलिब्रेट किया जाता है। यहाँ हुक होता है, टक से वो बोरी इसमें टांग देता है और रीडिंग आ जाती है ना, रीडिंग आ जाती है। एक्चुअली ये मेजर करता है टेंशन। क्या मेजर करता है? यहाँ पे आपने कोई आइटम टांग दिया, मान लीजिए कि इसका मास m है, तो यहाँ पे टेंशन, ये स्प्रिंग को मैं मासलेस लेके चल रहा हूं, टेंशन आ रहा है mg, तो इसकी स्प्रिंग क्या होती है? इसकी स्प्रिंग केजी में जो रीडिंग देती है वो कैसे आती है? मैंने कहा ये जो न्यूटन आ गया है वो ऑलरेडी जी से डिवाइड करके जो है इसकी स्केल का कैलिब्रेशन होता है। अरे मान लीजिए कि भैया ये 2 किलो है, तो यहाँ पे 20 न्यूटन लिखना था,
न्यूटन में तो फील नहीं आएगी। अबे 20 न्यूटन के मतलब जो है प्याज कौन खरीदेगा, 2 किलो खरीदेगा ना यार, तो वो रीडिंग तो 20 न्यूटन ही होती। लेकिन जहां पे 20 न्यूटन होता है वहां पे क्या करते हैं, वहां पे स्केल में 2 किलो लिख लेते हैं, है ना। अरे भाई वो तू चाहता तो घोटाला करना चाहता, वहां 2 किलो की जगह 20 किलो लिख ले, कोई खरीदेगा नहीं तेरा ऐसा कांटा, है कि नहीं, पकड़े जाओगे, है ना। अपन जानते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड है, सब उससे कंपेयर करते हैं, तो ऐसे मन मर्जी चलती नहीं है। ऐसे तो फिर आपका 2 किलो किसी और का 2 किलो अलग अलग हो जाएगा ना यार, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन में हमने ऐसे बातें की, प्याज में तो चलता है थोड़ा बड़ा इधर उधर, है ना। तो सोना चांदी कुछ ज्वेलरी खरीदने चले गए, मान लो कि स्किल्स काफी ऊपर नीचे हो गई, तो आपकी दिल की धड़कने भी काफी ऊपर नीचे हो जाएगा। ये काम की बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि भैया जो बेसिकली टेंशन मेजर करता है और उसको जी से डिवाइड करके जो स्केल होती है ना वो केजी में लिखी हुई होती है ना, है ना भैया। अच्छा तो कुल मिला के बात ये है कि फॉर हैंगिंग बॉडीज टेंशन गिव्स अपेरेंट वेट, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अरे तो जी पे डिपेंड कर रहा है, अभी ये लिफ्ट में रख के ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे होते तो जी की जगह जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता, है ना। तो भाई साहब ये टेंशन जो है आपको क्या दे रही है, अपेरेंट वेट। इसी पे कौन काम करता है आपका, स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा बहुत बढ़िया, क्या मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस, टेंशन रिकॉर्ड करता है टेंशन। अच्छा ये वेइंग मशीन देखी कभी आपने, मैंने कहा बिल्कुल देखी होगी आपने एमआई रूम में स्कूल में, है ना। तो आप ऐसे खड़े हो जाते तो ऐसे पता था कि भाई 40 किलो की है या 40 किलो का है 50 किलो का है, कोई बहुत ज्यादा डबल नाश्ता करने वाला 60 किलो का, जो भी ऐसा है। तो बेसिकली वो क्या मेजर करती है, वो मेजर करती थी नॉर्मल, है ना, जो आप सरफेस पे आप पे नॉर्मल इधर लग रहा था और उसकी सरफेस पे अंदर की तरफ लग रहा, तो वो नॉर्मल मेजर करती थी। फॉर बॉडीज कैप्ट ऑन सरफेस, है ना। अब क्या होगा वहां पे नॉर्मल गिव्स अपेरेंट वेट, नॉर्मल क्या करेगा अपेरेंट वेट। ये कार्यक्रम कहां होता है, मैंने कहा ये होता है आपके वेइंग मशीन में, वो नॉर्मल रीड करती है, ये टेंशन रीड करती है, और क्या होते हैं उसकी स्केल को कैलिब्रेट कर दिया जाता है जी से डिवाइड करके, ताकि आपका आंसर न्यूटन की बजाय इसमें दिखाई दे केजी में। क्योंकि हम भैया हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम 500 न्यूटन के हैं, ऐसे बोलते हैं 50 केजी के हैं, है ना भैया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा लिफ्ट के बारे में बात कर देता हूं, फिर अपन कुछ सवाल करेंगे स्प्रिंग एंड इसकी रीडिंग का। अच्छा स्प्रिंग बैलेंस में थोड़ा सा एक और चीज बता देते हैं, नहीं पहले लिफ्ट पे चलते हैं फिर सवाल करते हैं। लिफ्ट प्रॉब्लम्स देखिए, हम छोटी सी बात है, लिफ्ट के सवाल बहुत आते हैं, ऐसे ही बताता हूँ। लिफ्ट प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स, लिफ्ट प्रॉब्लम्स क्या करते हैं ना, लिफ्ट में एक आदमी को खड़ा कर देते हैं, क्या करते हैं लिफ्ट में एक आदमी को खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये हो गई आपकी लिफ्ट, ये हो गई है लिफ्ट, हो गई यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दिया। मैंने कहा बहुत शानदार, नीचे क्या रखते हैं WM, क्या रख दिया है वेइंग मशीन रख दी। मैंने कहा अच्छा लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, कैसे जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा मान लो कि लिफ्ट रुकी होती, इसका मास m है, इसका मास अगर m है और लिफ्ट रुकी हुई होती रेस्ट पे होती तो इसकी रीडिंग आती mg/m, यानी m किलो का बोलता, अगर m इसका 50 किलो होता तो 50 की 50 वहां पे रीडिंग आ रही होती, है ना भाई साहब, है ना। मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि जी की जगह जी पे, अबे एटम का मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, जी चेंज हो जाता है, वेट चेंज होता है ना। अच्छा बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, हम मास करवाने नहीं जाते हैं, हम वेट करवाने जाते हैं। अच्छा भाई साहब आप बोलोगे केजी में फिर आंसर क्यों लाते हो, समझ गए ना केजी में क्यों लाते हैं, है ना, न्यूटन में ही लाते हैं, बट्टा जी करके वो स्केल को कैलिब्रेट किया जाता है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1, इसमें क्या है अपवर्ड मूविंग, लिफ्ट क्या है मूविंग अपवर्ड्स। अच्छा ओहो, अपवर्ड 3 तरीके से जा सकती है, पहला है एक्सेलरेशन,
जो स्पीड है अपवर्ड वाली वो बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। हल्का फील आएगा कि भारी फील आएगा, हल्का फील आएगा कि ये वेइंग मशीन की रीडिंग हल्का आएगा कि भारी आएगा, हल्का आएगा कि भारी आएगा। अरे क्या होगा, इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल नीचे लग रहा होगा। स्पीड अगर बढ़ रही है यानी आपका एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन अपवर्ड है, नॉर्मल इस बार एम जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। अरे आप एम जी लग रहे हैं और आप सुन लो एम इंटू इधर लगाएंगे डिफेक्टिव नॉर्मल आपका हो जाएगा एम जी प्लस ए, यानी भारी फील आएगी। कैसी फील आएगी, भारी फील आएगी। अच्छा ओहो हो भारी फील, इसके हिसाब से भारी फील आएगी। अच्छा भाई साहब स्पीड जो है वो जा ऊपर रही है लेकिन स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो नॉर्मल आपका जी माइनस ए हो जाएगा, सीधे ऊपर लग जाएगा ना यार। ओहो कैसी फील आई, हल्का फील आई, किसके हिसाब से, वेइंग मशीन के हिसाब से। ओहो जा ऊपर रही है लेकिन स्पीड कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, नॉर्मल एम जी के बराबर है, जैसा आपको पहले आ रहा था वैसा ही आएगा, कोई भारी हल्का ज्यादा वाली बात नहीं होगी। अच्छा ये बातें थी मूविंग अपवर्ड, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोले लिफ्ट ऊपर जा रही तो भारी फील होगा। मैंने कहा नहीं बे, लिफ्ट ऊपर जा रही है भारी भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, और जैसा पहले फील आ रहा था वैसा भी हो सकता है। लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होनी चाहिए ना कि ऊपर जाए। अबे ऊपर तो लिफ्ट जाने से जरूरी नहीं होगा इनकी एक्सेलरेशन ऊपर है। अबे चंपकलाल बहुत छोटी सी बात समझ गया क्या? अब देख जरा ध्यान से, सिमिलरली मूविंग डाउनवर्ड की भी आप बात कर सकते हैं। सेकंड केस लेते हैं मूविंग डाउनवर्ड, क्या चीज, मूविंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, मूविंग डाउनवर्ड्स है ना, मूविंग डाउनवर्ड। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, अब आप ध्यान से देखेंगे, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्पीड जो है, स्पीड मूविंग डाउनवर्ड तो स्पीड नीचे होगी, अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अगर स्पीड बढ़ रही है ना इसका मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल आपका जी माइनस ए हो जाएगा, यानी हल्का फील आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा आएगा। और अगर मान लो नीचे की तरफ जा रहे हैं और स्पीड, ये स्पीड कम या ज्यादा बोल रहा हूं, ऊपर नीचे नहीं बोल रहा, मूविंग डाउनवर्ड का हमने स्पीड तो नीचे ही होगी ना यार। अच्छा स्पीड कम हो रही है, अगर नीचे की तरफ स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन किधर हुई, ऊपर हुई ना बे, एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी तो नॉर्मल आपका जी प्लस ए हो जाएगा और आपकी क्या फील आएगी, भारी फील आएगी, भारी इसके हिसाब से मशीन की रीडिंग के हिसाब से। अच्छा अगर स्पीड डाउनवर्ड हो और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी हो तो भैया नॉर्मल जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अलविदा हो जाएगा, फ्री फॉल कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा ऐसे सवाल बनाते हैं, केबल कट गई ऊपर से लिफ्ट की, केबल कट गई, लिफ्ट जो है फ्री फॉल कर रही है, बताइए वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। अब जीरो होगी, नॉर्मल खत्म, वेइंग मशीन को फील ही नहीं आएगा कि कोई आदमी उसके ऊपर खड़ा है, क्योंकि दोनों मस्त ऐसे फ्री फॉल करते हुए नीचे आए। आपने सर पे ईंटे रख दिए खूब सारी, ऊपर चले गए बहुत ऊपर और ऊपर से जंप लगाया कि आओ फिजिक्स टेस्ट करते हैं, तब आप ऊपर ईंटों को ऐसे भार लेके आपको फील आ रही है बहुत भार है, बहुत भार है, बहुत भार है, काम करवाया जा रहा है। लेकिन जब आप फ्री फॉल करते हुए नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे तो बीच में नॉर्मल जीरो हो जाएगा, आपको लगेगा ईंटे मिट्टी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। इसमें भी बहुत हल्की सी चीज बता रहा है मास्टर। अच्छा नीचे की तरफ जाए और स्पीड कॉन्स्टेंट हो, स्पीड यूनिफॉर्म हो, यानी कि कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड तो, एक्सेलरेशन आपका जीरो हो गया है, नॉर्मल आपका एमजी के बराबर आ जाएगा, आपको जैसा एमजी वेट है वैसे ही मिला, कुछ अलग बलग रीडिंग का कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस ये ध्यान रखना कि ऊपर जाएगा तो रीडिंग बढ़ जाएगी, ये नहीं, ऊपर जाएगा तो क्यों बढ़ेगी बे, ऊपर एक्सेलरेट होगा तब बढ़ेगी, नीचे एक्सेलरेट होगा तब घटेगी। बाकी ध्यान रखना जाना जाना इज नॉट द ऊपर एक्सेलरेट होना, ऊपर जाने पे एक्सेलरेट भी हो रही होगी, हो सकती है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में भी ऊपर जा सकते हैं और यूनिफॉर्म रफ्तार से भी ऊपर जा सकते हैं। जैसे लिफ्ट अपन स्टार्ट करते हैं ना तब उसकी एक्सेलरेशन ऊपर होती है। अरे भाई फर्स्ट फ्लोर से आपको 20वें फ्लोर पे जाना है, चंपकलाल जब फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट पे बैठा है जब स्विच ऑन करता है तो लिफ्ट एक्सेलरेट होती है, पहले स्पीड जीरो होती फिर बड़ी, फिर वो दूसरे तीसरे फ्लोर से लेके 17वें-18वें तक यूनिफॉर्म रफ्तार से जा रही, मान लो कि बीच में किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, फिर लास्ट में तो रुकना है ना, नहीं तो 20वें की क्या ऊपर जाएगा, फिर उड़ जाएगा ना, है ना, तो वो
फिर डीएक्सलरेट होने लगती है, लेकिन इस पहले एक्सलरेट हुई फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गई फिर डीएक्सलरेट हुई, तीनों केस में लिफ्ट ऊपर ही जा रही थी, है ना। तो बहुत आसान सी चीज है ऐसी में, है ना, बहुत ज्यादा टाइम मतलब उसको दे रहा हूं ताकि गलती नहीं हो आपसे किसी भी प्रकार से, छोटी छोटी गलती भी नहीं हो। लिफ्ट फ्री फॉल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब आप कर देंगे। अच्छा, सैटेलाइट के अंदर वेइंग मशीन डाल के आप खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना, फ्री फॉल कर रही होती है ना सैटेलाइट, क्या रेडिंग आएगी नॉर्मल जीरो, है ना। चलिए काम की बात करते हैं। तो ये बातें होगी अपने पास जो है लिफ्ट विफ्ट की, और थोड़ी सी बात समझ में आ गई अपने को स्प्रिंग बैलेंस एंड विंग्स। कुल मिला के बात ये कि एक टेंशन मेजर करता है और एक नॉर्मल मेजर करता है, एक टेंशन मेजर करता है और एक नॉर्मल मेजर करता है। मान लो कि मैंने आपको एक सवाल दिया, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्या है यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, क्या लगी हुई है, एक पुली लगी हुई है, इससे मैंने एक केज को कनेक्ट कर दिया, मैंने कहा ठीक है, और यहाँ पे एक भैया को खड़ा कर दिया है, भैया के हाथ में क्या है, भैया के हाथ में धागा है, और भैया को खड़े कर देते हैं एक WM के ऊपर, किसके ऊपर है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा कर देते हैं, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। माना कि जो हमारे पास मेन है वो है 60 kg का, कितने केजी का, 60 kg का, और आप जो बॉक्स है इस बॉक्स को मैं आपको दे देता हूँ 40 kg का, कितने केजी का, 40 kg के बॉक्स में ये है, और वेइंग मशीन जो है वो मासलेस है, लेकिन इसकी जो रीडिंग आ रही है, वो जो रीडिंग है, मान लीजिए कि इसकी रीडिंग आ रही है कितनी आएगी, कुछ ऐसे इसकी मल्टीपल में आएगी, तो मैं इसको 20 n N बोल रहा हूँ, 20 n N बोल रहा हूँ। आपको ये स्मॉल n बनाना है, आपको ये स्मॉल n क्या होगा ये बताना है। एक सवाल कीजिएगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, तुरंत बताइए, तुरंत बता सकते हैं आप। थोड़ा और टफ करना होता तो मैं इसको एक्सेलरेट भी कर देता, है ना, एक्सेलरेट कर लेते यार, अभी तो बहुत ही आसान है ना। माना कि यहाँ की टेंशन क्या है, ये धागा है, ये धागे के अंदर टेंशन टी है, तो यहाँ पे टी रहेगी, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, हो। अब अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरे को सिस्टम ले लूं तो क्या हो रहा होगा, ये वेइंग मशीन मासलेस है, बॉक्स 40 किलो का है, मैन 160 का है, टोटल क्या हुआ है, टोटल 100 केजी का हो गया, यानी कि 1000 newton फोर्स लग रहा है ऊपर, 2T लग रहा होगा, 2T मस्ट बी इक्वल टू 1000। और मान लो कि ये पूरा एक्सेलरेट हो रहा होता ऊपर की तरफ 2 m/s स्क्वायर से, तो मैं करता 2T - 1000 = 100 × 2, सॉल्व करके टी आता ना, अबे सॉल्व करके टी आ जाता ना, अरे मैं ये बोलता एक्सेलरेशन ए है ऊपर की तरफ, तो 2T बड़ा होता 100,000 से, 2T - 1000 = 100 × 100 × 2, तो दोनों साथ ही जा रहे होते 100 × 2 कर देते, सॉल्व करके टी आ जाता। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ गई इस पर्टिकुलर केस में, 500 newton आ गई। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि ये जो रीडिंग है ना वो तो बेसिकली अगर न्यूटन में है तो वो क्या है, वो फोर्स है। कौन सा फोर्स है, नॉर्मल, केजी में होती तो मैंने कहा वो जो फोर्स आया ना जी से डिवाइड करके आंसर है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम इस आदमी की एबिलिटी बनाना चाहते हैं, जितना नॉर्मल इस वेइंग मशीन पे इधर लग रहा होगा उतना ही नॉर्मल वेइंग मशीन जो है आदमी पे ऊपर लगा रही होगी। ये जो हमारा आदमी है, क्या हो रहा होगा भाई साहब पे, अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे इस पे mg लग रहा होगा, इसका मास क्या है 60 kg है, नीचे क्या लग रहा होगा इस पे 600 लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा 600। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, और क्या लग रहा होगा, मैंने कहा यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, इस पे नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा, और भाई साहब पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये उतना ही नॉर्मल है जितना भाई साहब जो है WM के ऊपर लगा रहे हैं। मैंने कहा और क्या लग रहा होगा, मैंने कहा भाई साहब ने हाथ से यहाँ पकड़ रखी है रस्सी तो ये ऊपर लगा रही होगी टेंशन, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ओहो, और ये है इक्विलिब्रियम में, ये क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो n + t मस्ट बी इक्वल टू 600, अरे ये क्या हुआ, t तो 500 है, तो n की वैल्यू हो गई 600 माइनस t, यानी कि 500, यानी कि 100 newton लग रहा होगा फोर्स, रीडिंग आ रही होगी 10 kg,
ये भाई साहब जिनका मास 60 किलो है, इस पर्टिकुलर केस में मशीन जो है वेइंग वाली जो है WM है वो बता रही 10 किलो के, 10 किलो के खत्म केस है, एकदम 10 किलो के हैं, इसलिए अपरेंट वेट के हमने बात की थी, है ना, अपरेंट मास टाइप का। रियलिटी में मास मास जो है वो आपका 40 का, वो अभी ऐसा फील आएगा कि वो 10 किलो के हो गए, है ना। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपका जो यहाँ पे रीडिंग है वो 20N है, क्या है, 20N इज इक्वल टू 100, तो N की वैल्यू 5 आ गई, आंसर हो गया। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, एक में हमने वेइंग मशीन रख दी, थोड़ा टफ करना एक्सेलरेट कर दो। अब बात करते हैं अपन स्प्रिंग बैलेंस की, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको याद हो हम ऐसा स्प्रिंग बैलेंस लें जो मास वाला हो और जिसके दोनों साइड टेंशन हो, इसकी प्रूफ में तो जाने की जरूरत नहीं है मुझे, ये T2 है तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, इसकी रीडिंग आएगी ट्वाइस ऑफ T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। लेकिन अगर ये मासलेस हो, अगर ये मासलेस हो तो T1 एंड T2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, T1 एंड T2 सेम हो जाएगा। अगर T1 एंड T2 सेम हो जाएगा, अगर T1 इज इक्वल टू T2 है, अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये जो रीडिंग होगी आपकी वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2T, 2 से 2 कट गया है, T आ जाएगा, है ना, T डिवाइडेड बाई G करेंगे तो उतना KG आ जाएगा, इनका इसका कोई दोहरा है, पर ये ध्यान रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, वैसे काफी कम काम आता है, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ती है टी की। खैर अपन काम की बात करते हैं। मान लो कि मैंने क्या किया है, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस यूज कर दिया, एक सवाल बनाते हैं। मान लो कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये अपना यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये आपका स्प्रिंग बैलेंस हो गया है, और नीचे यहाँ पे एक पुली लगा दी है, मैंने कहा अच्छा, और ये पुली से दो मास हैं अपने पास M1 एंड M2 को लगा दिया, M1 एंड M2 को, तुरंत बताओ मुझे घोड़े की रफ्तार से बताओ कि रीडिंग क्या आएगी, एकदम तेज रफ्तार से ये बताइए कि रीडिंग क्या आएगी। तब तक अपन एक एग्जांपल और बनाते हैं, मान लो कि यहाँ पे पुली है, ओहो, और यहाँ पे भी लगा देते हैं पुली, है ना, बीच में लगा देते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस, और इधर लगा देते हैं ब्लॉक्स, और इधर भी एक ब्लॉक लगा देते हैं, इधर भी एक ब्लॉक लगा देते हैं। मान लो कि ये वाला ब्लॉक 10 किलो का है, ये वाला 10 केजी का है, और ये वाला क्या है 20 केजी का है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी बताइए, इसकी रीडिंग क्या होगी बताइए, है ना, बताइए भैया बताइए, तुरंत लल्लू सवाल है, एकदम लल्लू, तुरंत बता दीजिएगा लल्लू है एकदम, तुरंत बताइए, ये तो ऐसे ही मैं कुछ नहीं करने वाला, इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, इसको आप एम इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, 4μ आएगा भाई साहब, है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल जो आने वाली है यानी कि यहाँ की जो टेंशन है वो आपकी रीडिंग आपकी आ जाएगी टेंशन डिवाइडेड बाई जी, यानी कि 4μg डिवाइडेड बाई जी, अरे आपकी नहीं यार 4μ की वैल्यू क्या होगी, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M1 प्लस M2, इतना जी यहाँ की टेंशन होगी, जी बाई जी कर दोगे तो इतना kg आ जाएगा, अरे आपकी नहीं यार, बाकी आप ये जी हटा दो तो उतना न्यूटन आ जाएगा, अरे आपकी नहीं यार, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा ये एक्सेलरेट हो रहा होगा ये से इधर, ये ऊपर जा रहा होगा ये से, है ना, कितना एक्सेलरेशन होगा, मैंने कहा भैया 200 खींच रहा होगा, 100 रोक रहा होगा, नेट फोर्स होगा 200 माइनस 100 है 100 डिवाइडेड बाई 30 टोटल मास है, तो ये 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, मैंने कहा हमें क्या चाहिए, हमें टेंशन चाहिए, जो यहाँ टेंशन होगी वो पूरे इस धागे में होगी, और ये मास लेस है तो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन सब जगह सेम है, आइए बना लेते हैं इसका एबीडी, इससे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा 200, बड़ा कौन होगा, मैंने कहा 200 माइनस क्या कर देंगे, टेंशन कर देंगे, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी 20 × 10/3, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाला टी की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 600 माइनस 200 यानी कि 400 या 40g डिवाइडेड बाई 3, है ना, अगर केजी में बात करें तो 40 डिवाइडेड बाई 3 केजी की रीडिंग आएगी, है ना, 400 को मैंने 10g बाई 3 इतना न्यूटन आएगा, तो 40 बाई 3 केजी बता सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, कल को मान लो इस तरह की घोंचू सवाल जो अपने को पूछते हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या लगा दी है, यहाँ पे अपन ने क्या लगा दी है, एक अच्छा एक बात, एकदम गल्लू सवाल बताइए, ये बताइए
ये बता दूं था, स्प्रिंग है ना, यहां पे क्या था, दस था ना, यहां पे 20 था ना, 20 यहां पे भी 20। रीडिंग बताओ, रीडिंग बताओ कितनी आई, रुका हुआ है टेंशन, 200 200 200 200, रीडिंग 20 किलो आएगी लाला, 20 केजी है ना, तू ऐसे लगाता ना ऐसे सिंपल, ये स्प्रिंग और यहां पे 20 किलो लाला ऐसे लगा दिया, रीडिंग क्या आएगी 20 केजी। बोलो तो यहाँ पे भी 20, मैंने कहा हाँ, अबे टेंशन मेजर करता है आत्मा है ना, तू कुछ भी करवा ले तू कर लेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कल को तुमको ऐसे घोंचू सवाल पूछेगा कि देखो ये स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है इधर, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है और यहाँ पे एक केज लगा रखा है, क्या लगा रखा है, एक केज लगा रखा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, ओहो यहाँ पे तोता बैठा है, यहाँ पे एक तोता बैठा हुआ है, तोता जंप लगा रहा है, तोता जंप लगाएगा तो रीडिंग का क्या होगा, जस्ट तोते ने जंप लगाया, तोता नीचे फोर्स लगाएगा एक्स्ट्रा, रीडिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, रीडिंग थोड़ी सी बड़ी होगी और फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी क्योंकि तोते का मांस तो अब अलविदा हो गया है। तो इसमें दो केस लिए जाते हैं, एक ओपन केज, एक ओपन, ओपन मतलब एयर टाइट, एयर, और एक जो है एयर टाइट है, कैसा है एयर टाइट है, जैसे मान लो कि एयर टाइट होगा, ओपन वाले में क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा पहले, थोड़ा सा बढ़ेगा फिर घटेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा घटेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जब आप इंपल्स लगाओगे मतलब एक ऐसा फोर्स लगाओगे ना, तब जब ऊपर उठ पाओगे थोड़ा सा बढ़ेगा फिर घट जाएगा, क्योंकि इसका मास पहले एमजी में काउंट हो रहा था, अब वो काउंट नहीं होगा। और एयर टाइट होगा तो क्या होगा पता है, आप अगर फिर आप जो है ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेट करने लगोगे, अगर आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगोगे तो एयर तो सूडो इस पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे लगेंगे तो थ्रस्ट फोर्स आपके लिए नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि रीडिंग बढ़ जाएगी, रीडिंग बढ़ जाएगी अगर एयर एयर टाइट हुआ, अगर आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहे होंगे, आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहे होंगे तो इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। ये एयर टाइट की बात करूं जिसमें हवा जो है पैक हो जाएगी तब है ना, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे उधर की तरफ फोर्स लगा होगा, तो एयर पे कैसे लगा होगा, नीचे लगा होगा, फिर एयर ने इसको कंप्रेस किया होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एयर ने फ्लोर को कंप्रेस किया होगा, एयर ने फ्लोर को कंप्रेस किया होगा, फ्लोर को कंप्रेस किया होगा, फ्लोर मतलब जो इसका फ्लोर है नहीं केज का, वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, उससे क्या होगा यहाँ पे रीडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन एयर एयर टाइट नहीं होगा तो फिर एक्सेलरेट होगी यूनिफॉर्म रफ्तार से जाएगा, अच्छा इस वाले केस में फिर यूनिफॉर्म रफ्तार से ऊपर जा रहा होगा, तब मैंने कहा सुडो नहीं लगेगा, और नीचे ऐसे जा रहा होगा, नीचे तो कहां जाएगा है ना, ऐसे जा रहा होगा फिर कम हो जाएगी रीडिंग। तो आप समझ गए एयर टाइट और ओपन का क्या सीन है ना, अरे ऐसे लल्लू पल्लू सवाल पूछते हैं इसमें कोई दोहरा वाला बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे पास वक्त की कितना है, वक्त कुछ भी हो हम बातें शुरू करते हैं काटने वाले सवाल, यानी हम समापन समारोह के काफी क्लोज पहुंचते हुए हमें क्या करना चाहिए, मैंने कहा हमें कुछ लास्ट में कर देने चाहिए, स्पेशल क्वेश्चंस ऑन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, 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 स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, यहां पे अपन काटने वाले सवाल पढ़ते हैं है ना। अच्छा भाई साहब क्या है, क्या बातें कर रही हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, अगर आपको याद हो इंपल्स पता हो तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग थोड़ी आलसी टाइप की होती है, उसका फोर्स सडनली चेंज नहीं होता, क्योंकि फोर्स चेंज करने के लिए उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन को चेंज होना पड़ता है, जो कि सडनली चेंज नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसको बीच में से ही काट दिया जाए। तो स्प्रिंग जो फोर्स है, वो स्प्रिंग जो फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स कैसा है, वो नॉन इंपल्सिव है, कैसा है, नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव है, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार। दूसरा टाइप का जो फोर्स है वो है स्ट्रिंग फोर्स, कैसा फोर्स है, स्ट्रिंग फोर्स है, वो कैसा है, स्ट्रिंग फोर्स सडनली चेंज हो सकता है, वो इंपल्सिव नेचर का होता है, एक इंपल्सिव यानी जो सडनली चेंज हो जाए। मैंने कहा अगर आपको याद हो हमने एक बात की थी पहले, अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो वैसे इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी पढ़ते हैं। मान लो कि एक स्प्रिंग है, मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके दो एंड पे मान लो कि M1 लगा हुआ है, M2 लगा हुआ है
ना, मान लो कि इधर इस पे फोर्स लगा दिया, टफ कर दिया अपन ने, इधर पे भी फोर्स लगा दिया। कुछ बातें की थी कि अगर एक स्प्रिंग से अटैच दो दो ब्लॉक का सिस्टम है तो मैक्सिमम इलोंगेशन, ये मान लो कि पहले अभी कहां है, नेचुरल लेंथ में है, मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन स्प्रिंग में तब होता है जब इन ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। क्या हो जाए? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब ग्राउंड के फ्रेम में बात करें तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, है ना। फॉर मैक्स कंप्रेशन, फॉर एक्स मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन है, रिलेटिव वेलोसिटी वी वन एंड वी टू जो है इन दोनों की वो जीरो हो जाए, मतलब वी वन एंड वी टू जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए, वी वन एंड वी टू सेम हो जाए। सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन भी किया, इसकी कतई जरूरत नहीं है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसे सवाल अपन सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से दोबारा कर सकते हैं, थोड़ा टफ कैटेगरी की तरफ अपन पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद है हमने पहले किया है, इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूं, 2 by k m1 f2 m2 f1 डिवाइडेड बाई m1 plus m2, जस्ट वैल्यू रखनी है, आपको आंसर दिखाई देगा है 2 by k m1 f2 m2 f1 डिवाइडेड बाई m1 plus m2। इतने मीटर आपका मैक्सिमम कंप्रेशन एलोंगेशन आएगा, बाकी आप सेंट्रो मास से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका डेरिवेशन कैसे किया था, सवाल किया था x इलोंगेशन मान लिया, ये x1 x2 दोनों की वेलोसिटी v1 v2, एक्सेलरेशन निकाल दी, फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, फिर है ना रिलेटिव वेलोसिटी पहले कितनी थी, जीरो, फाइनली जो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तब क्या होगी, जीरो, है कि नहीं यार। अच्छा, तो वहां से इंटीग्रेशन करके किया था ये, फिर बोला था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में दोबारा इसको आसानी से कर सकते, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी पता कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो, बाद में क्या हो जाएगी, जीरो, तो वर्क डन आएगा F1 F2 का, और जो है स्प्रिंग में आएगा पोटेंशियल एनर्जी जो कि पहले जीरो थी, बाद में -1/2 kx मैक्सिमम का स्क्वायर, तो ये हो जाता है, इसमें कोई दोहरा वाला, वहां जाके अपन दोबारा भी बात करेंगे। तो ये तीन जो है, मैक्सिमम इलोंगेशन एंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फॉर ए स्प्रिंग अटैच्ड विद द टू ब्लॉक सिस्टम विल बी व्हेन देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू द टू ब्लॉक इज जीरो, इट मींस द वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक विल बी इक्वल फ्रॉम द ग्राउंड फ्लो। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बातें करते हैं काटने वाले सवालों की। कौन से वाले सवाल? काटने वाले सवाल, काटने वाले सवाल में भी यही है कि स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव है, नॉन इंपल्सिव है, तो स्प्रिंग के अंदर का फोर्स तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि स्प्रिंग को काट नहीं दिया जाता। अगर ये स्प्रिंग बंधी हुई होगी या ब्लॉक से अटैच होगी या दोनों साइड से ब्लॉक से अटैच होगी, ऐसे दोनों साइड से ब्लॉक से अटैच होगी, अगल बगल में इधर और इधर कोई घटना हो जाए, इसको एट द मोमेंट कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मान लो कि इसमें इलोंगेशन 1 मीटर था तो भैया यहां से स्प्रिंग या स्प्रिंग कुछ भी कट जाएगा, वो 1 मीटर चेंज थोड़ी हो गया उस जस्ट इंस्टेंट पे। लेकिन अगर स्प्रिंग होगी बीच में तो चेंज हो सकता है, स्ट्रिंग में फोर्स चेंज हो सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग में ऐसा थोड़ी होता है कि स्ट्रिंग खिसके गई है, स्ट्रिंग तो खिसके नहीं जाती है भाई, इलास्टिक नहीं है, नॉन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक पढ़ते हैं अपन स्ट्रिंग हमारी वाली, तो स्ट्रिंग में सडनली चेंज हो सकता है। इन्हीं दोनों की बेस पे अपन सवाल करते हैं। हमको लगता है फिर नेक्स्ट वाले में करेगा, इसमें 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो काटने पीटने वाले सवाल जो है अपन नेक्स्ट वाले क्लास में फिर करते हैं, अच्छे से सवाल करते हैं। कौन से वाले? काटने वाले सवाल, स्प्रिंग इवेंट 1, ये वहां वहां से काट दिया। अच्छा, एक तो अच्छे सवाल भी, और फिर उसके साथ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इतनी ही चीजें भैया, यही आता है, यही सबसे सवाल आता है। 1-2 15 वाले सवाल भी कर देंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे सवाल देखते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, और फिर 4 लेक्चर में खत्म करते हैं ना, रिवीजन ही तो है, सब देख लिए। मेरा कहने का और बताने का तात्पर्य ये है कि आपको सारी वैरायटी जो है वो आपके सामने होनी चाहिए, सारी वैरायटी आपके पास होने की। अच्छा अच्छा इस तरह के सवाल आते हैं, फिर खूब सारे सवाल जो आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, और ये बात की गारंटी है कि आपने जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उनको आज तक के टोटल सॉल्व कर लो भाई, अगले साल वैसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि जो बिल्कुल तुम्हें पता ही नहीं हो। अबे ऐसा कोई सवाल थोड़ी पूछ सकता है तुमसे जो तुम्हें पता ही नहीं हो, हर सवाल तुमसे होगा इस बात की मास्टर गारंटी देता है। अरे इसमें कोई मास्टर बहुत पढ़ा कुछ बता नहीं रहा है, अबे एग्जाम ही तो उसी का लिया जाता है जो पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़ी एक सरप्राइज एग्जाम होगा नीट में, पढ़ा तो यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, और वहां पे आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सवाल थोड़ी आएगा यार, जो पढ़ाया है जो सिलेबस में है उसी से आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो +1 साइड में, यानी जरूरत से थोड़ा ऊपर की, ताकि टफ सवाल भी आप आ जाए
तो आप कर लें, क्योंकि आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं बेहतरीन रैंक के लिए पढ़ रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए आपको, है ना। सिलेक्ट आप सब हो जाएंगे इसकी तो मैं गारंटी देता हूं, पर आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो बहुत बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि अंतिम घड़ियों में, यानी जो अंतिम महीने है, कुछ अभी जो बचा कुचा टाइम है, इसमें आप कितना अच्छे से करते हैं, अब ये आप पे है। बाकी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप खुद भी फाइट कीजिए औरों के साथ इसको शेयर कीजिए, मास्टर से बात कीजिए, आप सबसे बात कीजिए, ताकि आप अच्छा सॉल्यूशन उसका निकाल पाए। बाकी प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है, बस ऐसा कभी होगा नहीं कि आएगी नहीं, बस फाइट अपने को जारी रखना है। तो हमको लगता है कि फिर खेला खत्म करते हैं, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन काटने पीटने वाले सवाल करते हैं, एनएलएम खत्म करते हैं, फिर एक दो लेक्चर में अपन फ्रिक्शन रिवाइज कर देते हैं। बहुत छोटा सा है जी, फ्रिक्शन में कितना ही तो कॉन्सेप्ट है यार, सब सवाल कर लेंगे आप। चलिए, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।